हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक न्यूमेरिकल अपन और करते हैं। इसके अंदर क्या क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं। ए मेंबर एबीसीडी सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर। देखिए, इसमें तीन सेक्शन बने हुए हैं क्योंकि अलग अलग इसके अंदर एरिया है। जैसे पहला सेक्शन है, इसके अंदर एरिया दिया हुआ है 300 mm², लोड इसमें 10 kN का है और इसमें जो है लेंथ दी हुई है 200 mm। सेकेंड जो सेक्शन है, इसके अंदर एरिया दिया हुआ है 500 mm² का और लेंथ दी हुई है 600 mm, इसमें भी लोड वेरी कर रहा है। और थर्ड जो सेक्शन है, इसके अंदर लेंथ दी हुई है 200 mm और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ 400 mm² और इसके अंदर भी लोड वेरी कर रहा है। अब इसके अंदर ई जो है 200 GP दिया हुआ, ये ई कॉमन है। तो अब अपन क्या करते हैं, पहले तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला सेक्शन लेते हैं। इस सेक्शन में देखिए लेंथ कितनी दी हुई है 200 mm और एरिया कितना दिया हुआ 300 mm² और लोड कितना दिया हुआ 10 kN का टेंसाइल लोड दिया हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले टेन किलोमीटर का लोड हो गया, लेंथ हो गई और एरिया कितना दिया हुआ इसमें आपके 300 mm², एरिया आ गया आपके इसमें 10 kN का लोड लगा है तो इधर भी 10 kN का लोड लगेगा। इसमें लोड लग गया। तो अब इसके अंदर P1 क्या आ गया 10 kN, A1 आ गया 300 mm² दिया हुआ है और L1 दिया हुआ है 200 mm। सेकंड सेक्शन लेते हैं। सेकंड सेक्शन में क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई 600 mm और देखिए और A2 जो दिया हुआ है 500 mm², सेकेंड सेक्शन की जो लेंथ है वो आ गई आपके 600 mm, ये गिवन है और A2 एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 500 mm². अब देखिए यहां पे 10 kN का लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस सेक्शन पे क्या होगा 10 kN का लोड लगेगा इस डायरेक्शन में क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन रखना है इसको। तो यहां पे आ जाएगा आपके 10 kN का लोड। अब देखिए इस सेक्शन में देखिए 40 kN का लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पे अपन ये इस डायरेक्शन में कितना लोड लग रहा है 40 kN। अब देखिए ये लग रहा है कंप्रेस कर रहा है इसको और ये टेंसाइल लोड लग रहा है, ज्यादा कौन सा हुआ 40 kN, तो 40 kN माइनस 10 kN करके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ कितना लोड हो जाएगा 30 kN का और डायरेक्शन क्या है कंप्रेस ही 30 kN ऐसे लगेगा। तो इस डायरेक्शन इधर जो लोड लगेगा वो कैसे लगेगा कंप्रेसिव लोड लगेगा 30 kN का, तो इस तरफ अपने लोड लग जाएगा आपके 30 kN। अब इस सेक्शन पे 30 kN का लोड लगा। अब अपन तीसरा सेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे 30 kN का लोड लगा तो इस सेक्शन पे भी 30 kN का, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो 30 kN का इस डायरेक्शन में लोड लगेगा, तो इस सेक्शन पे आपके लग जाएगा आपके 30 kN का। अब ये थर्ड सेक्शन जो दिया हुआ है इसके अंदर लेंथ कितनी दी हुई 200 mm और A3 जो एरिया दिया हुआ कितना 400 mm², तो अब अपन क्या करेंगे इसमें पहले लेंथ लिख दो आप इसको 200 mm और A3 हो गया आपके 400 mm², ठीक है। अब देखिए यहाँ 30 kN का लोड लगा हुआ, अब इस सेक्शन पे 50 kN का लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी आप इसमें मेंशन कर दीजिए।
50 किलोन्यूटन का लोड लगा। अब देखिए यहाँ 50 किलोन्यूटन का लोड लगा इस डायरेक्शन में और 30 किलोन्यूटन का लोड लगा इस डायरेक्शन में, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 20 किलोन्यूटन। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर डायरेक्शन में तो उस साइड में, इस साइड में डायरेक्शन क्या होगी, इधर डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके 20 किलोन्यूटन। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ 20 किलोन्यूटन, तो यहाँ पे भी अपना इसी डायरेक्शन 20 किलोन्यूटन आ गया, यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम में जो लोड कैलकुलेशन की है वो सही की है, तो अपने भी 20 किलोन्यूटन आ रहा है और इसमें भी अपने जो दिया हुआ है उसमें 20 किलोन्यूटन, मतलब अपने जो फ्री बॉडी डायग्राम सही बने हैं। तो अब क्या हुआ, अब तीनों सेक्शन आ गए अपने, तीनों सेक्शन में किसकी वैल्यू आ गई, पी वन की आ गई, एल वन की आ गई, ए वन की आ गई और ई कॉमन है, पी टू आ गया, एल टू आ गया, ई टू आ गया, ए टू आ गया, और थर्ड में क्या आ गया, पी थ्री, ए थ्री और एल थ्री, तीनों की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, डिटरमाइन द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर। अब चीज एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। देखिए इधर जो ये पहला सेक्शन पे देखिए, पहले सेक्शन में क्या हो रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट है, टेंसाइल लोड लग रहा है। इस सेक्शन में क्या हो रहा है, कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए अंदर, और इसमें भी 40 ज्यादा था, तो यहाँ लग रहा है कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है। और थर्ड में क्या लग रहा है, वापिस टेंसाइल लोड लग रहा है, 20 किलोमीटर इधर 50 माइनस 30 करेंगे 20, तो ये लग रहा है टेंसाइल। जैसे कि अपने को पता है कि जो चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल्जेब्रिक सम, ठीक है, एल्जेब्रिक सम मतलब क्या होगा, जहां जैसे टेंसाइल को अपने पॉजिटिव लिया तो कॉम्प्रेसिव को नेगेटिव लेंगे, और यहाँ वापिस टेंसाइल आ गया तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो अब जो फॉर्मूले में अपन रखेंगे इस चीज का, प्लस माइनस का अपने को ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल वन अपॉन ई, ई कॉमन आ गया अपने, पी वन एल वन अपॉन ए वन। देखिए ये हो गया टेंसाइल में, इसलिए इसको अपन पॉजिटिव लिया। सेकंड सेक्शन क्या है, कंप्रेसिव है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, माइनस पी टू एल टू अपॉन ए टू। फिर थर्ड सेक्शन वापस टेंसाइल हो गया, तो प्लस आ जाएगा पी थ्री एल थ्री अपॉन ए थ्री, ठीक है। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वन अपॉन 200। अब पी वन क्या आ गया, 10 किलोन्यूटन, एल वन कितना हो गया, 200 और ए वन कितना हो गया, 300। फिर माइनस पी टू कितना हो गया, 30 किलोन्यूटन, एल टू कितना हो गया, 600 और ए टू कितना है, 500। प्लस पी थ्री कितना हो गया, 20 किलोन्यूटन, एल थ्री हो गया आपके 200 400। अब आप उसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपके डेल्टा एल आ जाएगा आपके माइनस के अंदर 0.0967 mm। अब माइनस का मतलब क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस में आएगा, माइनस का मतलब क्या हो गया, जो इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो कॉम्प्रेसिव हुआ, मतलब जो जितनी लेंथ थी, ओवरऑल जो लेंथ थी वो लेंथ इसमें कम हो गई है, क्योंकि जो ओवरऑल जो लोड है वो कॉम्प्रेसिव लोड ज्यादा हुआ, तो इसके अंदर जो लेंथ है वो कम हुई है, डिक्रीज हुई है इसके अंदर। तो माइनस का मतलब ये जो लेंथ है, जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो डिक्रीज हुई लेंथ, ये आपके आ जाएगा इसमें डिक्रीज, ये आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।